में खरीदारी करनी है। मेरा व्यू रहा है कि ये जो गिरावट है इसमें मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी करने का मौका है। तो जो अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है आईकीओ लाइटिंग, जो अभी 291 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 315 के, 280 का स्टॉप लॉस रखना है। एक एलईडी लाइटिंग, फिर आपके रेफ्रिजरेशन लाइट्स और एबीएस पाइपिंग जो कि पीवीसी पाइपिंग की ऑल्टरनेटिव है, उसको मैन्युफैक्चर करती है। एक जबरदस्त कंपनी है, अच्छे स्ट्रांग प्रोमोटर्स है, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है, एक हाई मार्जिन बिजनेस, और इनका मेजर जो रेवेन्यू है वो फिलिप्स लाइटिंग, जिनकी मतलब एक कंपनी है सिग्निफाई, वो इनकी मेजर क्लाइंट है। बाकी ईएमएस सेक्टर पे मैं बुलिश रहा हूँ और मैंने कई बार इस सेक्टर से कई सारे स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं। पीएलआई इंसेंटिव स्कीम भी सरकार ने लॉन्च कर रखी है और जो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी इस तरह की कंपनी होगी। और बाकी इसका आईपीओ आया था 285 रुपए में और लगभग उसी के आसपास अब यह स्टॉक घूम फिर के आ गया। उसमें बहुत ही दमदार रेस्पॉन्स मिला था, 67-68 गुना वो आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, फिर 477 तक के हाइज करे थे। बट ये जो गिरावट आई है मिड कैप स्मॉल कैप में, इस स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट आके मुझे लगता है एक बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आ गया। और इन्होंने एक नया प्लांट भी शुरू किया है, नया कैपेसिटी एक्सपेंशन, और उसमें ये सोलर पैनल और सोलर पैनल सिस्टम्स वगैरह बनाएंगे, तो वो भी एक अच्छा ग्रोथ एरिया है। फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 35%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सर क्लोज टू 21%, और FISDAs भी अच्छे खासे बुलिश है, जिसमें क्वांट है, HDFC है, मोतीलाल ओसवाल का फंड है, और मिलके ये लोग करीबन 12.5-13% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, डाउनसाइड रिस्क बहुत ही लिमिटेड लगती है। खरीदारी करने की सलाह, 315 का टारगेट, 280 का स्टॉप लॉस। ओके, तो आईक्यू लाइटिंग ये है रिसेंटली आईपीओ वाली कंपनी, जहां पर खरीदारी करने की राय सजेस्ट आपकी तरफ से 315 के लक्ष्य।